मैं एक कांस्टेबल हूँ जो कि एक कैदी के लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है नियुक्त किया गया हूँ। मुझे यह ड्यूटी बेहद पसंद है क्योंकि यह केवल 8 घंटे की है जबकि मेरी असल ड्यूटी पूरे 12 घंटे की होती है। इसके अलावा मेरा काम उस हॉस्पिटल की बेंच पर बैठकर पुराना न्यूज़पेपर पढ़ना था। मतलब एक बात बोलूँ तो वह काम ऐसा था कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। बस एक चीज़ बहुत ही अजीब थी और वह था वह कैदी जिसे कि मैं गार्ड कर रहा था। वह बूढ़ा पेशेंट बहुत ही लंबा और पतला था। मुझे यह नहीं पता था कि वह किस बीमारी के कारण यहाँ पे आया था, पर जो भी हो वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। कुछ ऐसा जैसे कि उसकी हड्डियों में उसका स्किन लगा ही ना हो, मांस तो उसमें जैसे था ही नहीं, उसके बाल भी नहीं थे। और इसके अलावा उसे देखकर ऐसा भी लगता था जैसे उसकी आंखों में 2 गहरे गड्ढे बने हों। उस आदमी का मुंह खुला हुआ था। जब डॉक्टर्स उसे वैक्सीन देने आते थे तो मुझे यह बेहद ही अजीब लगता था कि उस बेचारे में तो मांस का कोई नामो निशान ही नहीं था। वह शायद अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए बुरा नहीं लगता था क्योंकि वह कुछ अजीब ही था। जब कभी भी मेरी नज़र उस पर पड़ती थी वह जैसे वहाँ होता ही नहीं था। वह अपने सामने वाले दीवार पर एक टक लगाए उसे घूरता रहता था। शायद वह किसी दूसरे दुनिया में ही हो, जैसे कि वह अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हो ताकि वह इस श्राप से निकल सके। मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, पर उसे देखने से मुझे यही सब लगता था। खैर जो भी हो, अब मैं आपको उसके बारे में कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं हॉस्पिटल में इसी आदमी के एक साइड बैठा हुआ करता था। क्योंकि मेरी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी इसलिए 4 बजे से एकदम मिडनाइट तक मैं उसके साथ रहता था। वह कभी भी किसी से बात नहीं करता, हिलता डुलता तक नहीं था और ना ही उसे कुछ महसूस होता था। वह केवल एक टक लगाए दीवार की ओर देखता रहता था। खैर जो भी हो, वह मेरी ड्यूटी का 4th दिन था। मैं ड्यूटी करते करते टायर्ड हो गया था और मुझे काफ़ी बोरियत भी महसूस हो रही थी और इसी में मैं अपने दूसरे गार्ड के आने का वेट करने लगा जो कि 12 बजे आता था। और वहाँ वह हॉस्पिटल वार्ड पूरी तरीके से शांत हो रखी थी जो कि नॉर्मली होता था और इसीलिए अपने बोरियत को भगाने के लिए मैं वहीं से एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि मुझे अचानक बहुत ही असहज सा महसूस होने लगा था, पता नहीं क्यों। पर इसी बीच जब अचानक मैं अपना सर घुमाकर उस आदमी की ओर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उसका भी सर मेरी ही ओर घुमा हुआ था और वह भी मुझे ही एक टक लगाए घूरे जा रहा था। और मैं उसके दाएं तरफ के एक बेंच पर बैठा हुआ था और उसके मेरे ओर देखने से मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था कि मानो वो मेरे अंदर के आत्मा से बात कर रहा हो। और इसी बीच थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं भी उसकी ओर देखने लगा, पर ज़्यादा देर नहीं मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाया क्योंकि मुझे डर लगने लग गया था। खैर जो भी हो, इसके कुछ देर बाद ही वहाँ दूसरा गार्ड मतलब मेरा कॉलीग आ गया और इसी में मैं उसे गन और लॉक बुक को हैंड ओवर देकर मैं वहाँ से एक कैब पकड़कर अपने घर की ओर निकल गया। रात करीब 1 बजे मैं अपने मोहल्ले की गली में पहुँच गया। वहाँ से मेरे घर की दूरी 10 मिनट की थी, पर वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है क्योंकि वह जगह बहुत ही सक्रिय है। खैर जो भी हो, यह मेरे लिए रोज़ का मामला था इसलिए मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा मेरे पास एक गन भी थी। कुछ ही देर में मैं चलते चलते अपने मोहल्ले के गली में जहाँ मेरा घर था वहाँ पहुँच गया और अब गली का सबसे आखिरी वाला घर मेरा था। और हमारे गली में सबसे अजीब बात तो यह थी कि वहाँ किसी के भी घर के बाहर रात में लाइट ऑन नहीं रहती थी, केवल हमारे घर के ही बाहर लाइट ऑन रहती थी और इसलिए हमारे गली का शुरुआती हिस्सा अंधेरे में ढका हुआ होता था। और उस दिन मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले हमारे इस गली में कुछ डकैती के केसेस आए थे और इसलिए मैं बहुत ही सावधानी के साथ संभल कर जा रहा था। इसी में मैं
जब अपने गली में घुसा तभी मैंने किसी को गली के बीच खड़े देखा। वह मुझसे 30 से 40 फीट दूर खड़ा था और धीरे धीरे दाईं ओर से मेरी ओर आ रहा था कि तभी मैंने उसे ऑब्जर्व किया कि आखिरकार वह है कौन। मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था कि यह कोई डाकू नहीं बल्कि कुछ उससे भी खतरनाक है। मैं वहाँ नहीं रुका और लगातार अपने घर की ओर चलते जा रहा था और अब वह मुझसे कुछ ही दूर था। मेरा मन बोल रहा था कि कुछ ही सेकंड में उसके सामने से गुजर कर देखूं कि वह आदमी आखिर है कौन। और इसी बीच जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरने लगा वह व्यक्ति बहुत ही जोर से चीखने लगा। मैं समझ गया कि मैं अब खतरे में हूँ और इसी बीच मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम, और अपना बंदूक निकालने वाला था कि तभी मैंने उसका चेहरा देखा। हाँ, आपने सही समझा, वो वही व्यक्ति था जिसका कि मैं हॉस्पिटल में गार्ड दे रहा था, वही कैदी जिसको कि मैंने 1 घंटे पहले छोड़ा था। उसकी पोशाक भी वही थी जो कि हॉस्पिटल में थी। वह मेरी ही ओर घूर घूर कर देख रहा था और जैसे ही मैं अपने घर की ओर जाने लगा तब वह धीरे धीरे मेरी ही ओर आ रहा था। यह देखकर तो जैसे मेरी जान हलक में आकर अटक गई हो। हिम्मत जुटाकर मैं अपने घर की ओर तेज़ी से जाने लगा और तुरंत ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं शोर शोर से अपने पिताजी को आवाज़ देने लगा क्योंकि वह धीरे धीरे लगातार मेरी ही ओर आते जा रहा था और देखते ही देखते वह काफ़ी करीब पहुंच गया था। और तभी अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता है, वह मेरे पिताजी थे और मैं अंदर आते ही तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब मैंने रात की सांस ली और अब मैं सोच रहा था कि मैं बच गया। फिर इसी बीच मैं अपने रूम में जाकर कपड़े बदलने लगा और इसके बाद सोफे पर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या था। और यह एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरे इस कमरे में एक खिड़की और एक दरवाजा है जो कि बिल्कुल उसी गली में खुलता है जहाँ की मैंने उसे देखा था। मैं अपने दिमाग को यह समझा रहा था वह कोई भूत नहीं हो सकता, यह तो पॉसिबल ही नहीं था, यह कैसे हो सकता था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने कुछ चीज़ों को महसूस किया। वह यह था कि कोई उसी गली में मेरे घर के खिड़की के बाहर चल रहा था, मतलब उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और इसके अलावा किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। शायद मैं कोई असामान्य घटनाएं महसूस कर रहा था और शायद मेरे खिड़की के बाहर कोई भूत है, यह भी मैं सोचने लगा। मैं उसी रूम में शांत होकर आंखें बंद करके वह सब सुन रहा था। मैं उसकी पूरी बातों को तो समझ नहीं पाया, पर हाँ यह जरूर समझ पा रहा था कि वह किसी बात के लिए माफी मांग रहा था। और इसके कुछ ही देर में अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया। अब कोई भी आवाज मेरे घर के बाहर से सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी मुझे याद आया कि क्यों ना हॉस्पिटल में मेरे कॉलीग को फोन करके पूछा जाए कि वह कैदी कैसा है। और फोन उठाकर मैं अपने कॉलीग को फोन करने ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उसका एक SMS आ रखा था करीब 1/2 घंटे पहले। उसने लिखा था, नीमन कल हॉस्पिटल में ड्यूटी में मत आना, वह बीमार कैदी तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही मर गया, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, 1 दिन के छुट्टी के बाद परसों पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि यह कोई पैरानॉर्मल घटना ही था क्योंकि मैंने उसे देखा था, उस कैदी को उसके मरने के बाद। पर चूंकि मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता तो मेरे पास इसके लिए कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर वह था क्या। यह कोई हेलोसिनेशन बिल्कुल नहीं था, मुझे पूरा यकीन है, मैंने वहां किसी इंसान को नहीं देखा था, वह कुछ और ही था जिसके पास इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिविटी भरी हुई थी जो कि हमारे सोच से भी परे है, क्योंकि यह सब चीज़ कोई भी शेप ले सकते हैं और किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। खैर जो भी हो, मेरे दिमाग में जो एक चीज़ इस घटना को बयां कर सकती है वो यह है कि शायद वो एक जिन था। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमने क्वारा से ली है जिसको शेयर करने वाले व्यक्ति नीमन अशरफ ने इसे 3 साल पहले शेयर किया था। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस मामले में, आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। और इसके अलावा हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।